पड़ोसी राज्यों में कोरोना के पॉजिटिव आ रहे मामलों के बाद हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोकल व विदेशी सैलानियों के हिमाचल आने पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके बाद पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर नाके लगाकर पर्यटकों को रोक कर वापिस भेजना शुरू कर दिया है। गुरुवार देर शाम ही उपमंडल स्वारघाट की पंजाब से जुड़ी सीमाओं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कैंची मोड़ स्वारघाट और ग्वालथाई में बरमाला शैला घोड़ा टोबा बहल व भाखड़ा स्थानों पर बैरियर लगाकर पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। कैंची मोड़ पुलिस चेक पोस्ट से गुरुवार देर शाम से शुक्रवार दोपहर बाद तक दर्जनों टूरिस्ट वाहनों को पुलिस द्वारा वापस भेजा गया। हालांकि जो हिमाचल के निवासी हैं, जिनके पास बाहरी राज्यों की गाड़ियां हैं या किराए की टैक्सियां लेकर हिमाचल आ रहे हैं, उन्हें आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मूल दस्तावेज दिखाने के बाद हिमाचल में प्रवेश करने दिया जा रहा है। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि उन्होंने आज उपरोक्त सभी बैरियरों का निरीक्षण किया है और मौके पर महसूस किया है कि पुलिस टीमों के साथ साथ एक मेडिकल टीम भी मौके पर होनी चाहिए जो बाहरी राज्यों से आ रहे हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करे। इस बारे में जिलाधीश बिलासपुर और सीएमओ बिलासपुर से बात की जा रही है। सरकार ने एक निर्देश दिए थे और निर्णय लिया था कि कोई भी टूरिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अब दाखिल नहीं हो पाएगा और उनको जो है एडवाइस किया जाएगा कि अगर वो स्टेट के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको वापस जाने के लिए कहा जाएगा। इसी कड़ी में जो है हमारे श्री नैना देवी जी सब डिवीज़न में, जैसे कि आप जानते ही हैं पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो रोड्स हैं वो एंट्री करते हैं सब डिवीज़न स्वारघाट में और फर्दर स्टेट में, तो इसमें इसी कड़ी में जो है आज जो बैरियर्स लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो एक तो ग्वालथाई में लगाया गया बरमाला बैरियर और सहेला घोड़ा में एक बैरियर है, टोबा में एक बैरियर है, कैंची मोड़ में बैरियर है, बहल रोड पे गुरुद्वारा जो थोड़ा है वहाँ पे और स्वारघाट में, तो ये छह बैरियर जो है स्थापित किए गए हैं ताकि मूवमेंट को चेक किया जा सके। लोग पहुँच रहे हैं, काफ़ी लोग तो जागरूक भी हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं तो उनको एडवाइस करके वहां से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन जो हिमाचल के रेजिडेंट्स हैं या उनके किथ किल्न हैं तो उनको जो है एंट्री दी जा रही है। थोड़े इश्यूज हैं कि कुछ लोगों को अभी बहुत ज़्यादा जानकारी डिसीजन के बारे में नहीं हो पाई है, तो उसका भी और हम प्रचार प्रसार करने वाले हैं ताकि लोग जो हैं सीमाओं तक आए ही नहीं। स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट।